नमो भगवते वासुदेवाय। वर्ष भर में 24 एकादशी के व्रत पढ़ते हैं और जब पुरुषोत्तम या अधिक मास होता है तब कुल मिलाकर 26 एकादशियां पड़ती हैं। आषाढ़ मास में 2 एकादशी आती हैं, जिसे योगिनी और देव शनि के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत सभी पापों को दूर करने वाला माना जाता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध यह एकादशी श्री लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा के लिए बहुत ही खास है। अतः परलोक में मुक्ति तथा सभी पाप नष्ट करने वाली है। भगवान कृष्ण ने इस एकादशी के संबंध में कहा है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। शास्त्रों में इस एकादशी व्रत के दिन उपवास करने का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वालों को दशमी के दिन से ही कुछ खास बातों का ध्यान में रखकर तथा सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करना चाहिए। यह एकादशी हर संकट से मुक्ति, उपद्रव, दरिद्रता तथा पापों का नाश करने वाली मानी गई है। योगिनी इतनी अधिक महत्व की मानी गई है कि यह सभी तरह की मनोकामना पूर्ण करने के साथ ही मोक्ष देने वाली तथा श्राप से मुक्ति देने वाली भी मानी गई है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को उसे निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था।
हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। अतः इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। जिन लोगों को योगिनी एकादशी का व्रत रखना है, वे 2 जुलाई को सुबह में स्नान के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके उपवास प्रारंभ करें। इस साल की योगिनी एकादशी 2 शुभ योग में पड़ रही है। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को प्रातः 4:40 तक है। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को 4:40 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य सफल सिद्ध होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ दान यज्ञ या कोई अन्य शुभ कार्य करने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना अच्छा रहेगा। जो लोग 2 जुलाई को व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 3 जुलाई को पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। पारण का समय होगा सुबह 5:28 से 7:10 तक। उस दिन द्वादशी का समापन 7:10 पर होगा।